Okay, तो देखो इस क्वेश्चन में स्फेरिकल बॉल इज मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी. तो सबसे पहले तो एक स्फेरिकल बॉल, मान लो कभी ये लिक्विड है और एक स्फेरिकल बॉल मूव कर रहा है, राइट, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से. तो इसमें जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? जीरो. क्योंकि जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, सही है, तभी उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? तो अभी यहां पे जो इस पे विस्कस ड्रैग लगेगा, जो इस पे क्या लगेगा? विस्कस ड्रैग. ठीक है, वो विस्कस ड्रैग कितना लगेगा? तो वो जो है वो स्टोक्स लॉ से आएगा. आ जाएगा स्टोक्स लॉ से, आ जाएगा लॉ से. ठीक है, वो कितना आएगा? 6 पाई आर थीटा बी. समझ में आपको? ये है विस्कस ड्रैग, यानी ये क्या है? ये है फ्रिक्शन का फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसकी वजह से जो पावर लॉस होगा या जो एनर्जी का लॉस होगा वो होगा कितना? एफ इंटू वी या एफ डॉट वी. समझ में आपको? तो जो फोर्स लग रहा है, यानी विस्कस ड्रैग जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी का है इसका नीचे की तरफ. तो एफ डॉट बी यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ बी कॉस 180, है ना, नेगेटिव आएगा. यानी एक्चुअली देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एंड व्हिच विल बी डिसिपेटेड एज हीट. दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली बीइंग डिसिपेटेड एज हीट. वो हीट कौन अब्सॉर्ब करेगा? वो लिक्विड अब्सॉर्ब कर लेगा, राइट, लिक्विड और वो खुद बॉल, एंड जो भी हीट डिसिपेट हो रहा है. तो लॉस ऑफ हीट, तो यहाँ पे एफ कितना है? वो है 6 पाई आर थीटा बी टर्मिनल, और बी एक और बी है, वो भी है बी टर्मिनल. तो ये आ गया यहाँ से पावर, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी या डी ई बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, सही है. तो ये हो जाएगा माइनस 6 पाई आर थीटा बी टर्मिनल स्क्वायर. अब हम लोग जानते हैं कि बी टर्मिनल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा. तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे, ये 6 पाई आर ईटा और उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो वो आर का भी स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो यहां से आएगा आर रेज टू 4 और यहां से आर, यानी आर रेज टू 5. तो ये जो पावर लॉस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू. तो ये अपने से पूछा गया सवाल, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ओके.